इल्मे ज्योतिष इल्मे नजूम के इस प्रोग्राम में आपका वेलकम है। आप सभी प्रेमियों के दिल में उस मौजूद परवरदिगार मालक को मेरा नमस्कार, बार बार अभिनंदन। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो जो मैंने अभी अनाउंस किया था, लाल किताब एडवांस कोर्स 2 दिन का और एनर्जी एक्टिवेशन जो था, उस पर आपने जो अपना प्रेम दिया है, जो आपने लाइक्स दिए हैं, जो आपने कमेंट किए हैं और उसके बाद जो फोन कॉल्स आए हैं, उसको देखकर जो आपके अंदर सिलम को सीखने का जो एक सीखने की जो ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है अपने कान पकड़कर माफी भी मांगना चाहता हूँ। माफी मैं इसलिए मांगता हूँ कि आपकी जो दिल की ख्वाहिश है, नेक ख्वाहिश है, उस के लिए मैं उसमें आगे वीडियो में इसी के लिए बात करूंगा। इल्मे ज्योतिष जो लाल किताब है, ये पंडित जी ने तकरीबन नियर अबाउट 34 ईयर्स के आसपास पंडित जी ने गैबी रूप ने पंडित जी को ये बातें बताने शुरू की। एक मेडिटेटिव कंडीशन में पंडित जी को बातें जो गैबी रूप के द्वारा बताई जाती थी, और उन बातों को पंडित जी ने जब कलमबद्ध करना शुरू किया, क्योंकि जब भी कोई भी गैबी रूह या ड्रीम्स में आपको कोई जो या मेडिटेटिव जब आप होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जो आपको अनुभव होते हैं, उसको आप जब भी कलमों में बयान करना चाहेंगे तो कुछ लफ्ज आगे पीछे हो जाते हैं। इसीलिए लाल किताब ज्योतिष जो है ये बिल तरतीब है। पंडित जी ने भी बोला कि ये जो ग्रंथ है ये बिल तरतीब है। बिल तरतीब का मतलब ये होता है कि ये उर्दू लफ्ज है कि कर्म अनुसार, हिंदी में उसे हम कहेंगे तो कर्म अनुसार, यानी कि एक क्रम में नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ये नहीं है। कुछ बातें आपको जो पेज नंबर 20 पर है तो उसका जो लिंक है वो आपको पेज नंबर 217 पर भी जाके मिल सकता है आपको, यानी कि ये बातें आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, अलग 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 जो है लिखी हुई है। तो पंडित जी को जो ये गैबी रूह ने जब किताब लिखवाई, तो सबसे पहली किताब पंडित जी ने जो कलमबद्ध किया वो किताब थी 1939, जो कि टोटली ऑन केमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी और उसमें वैदिक ज्योतिष का भी थोड़ा इनपुट था। वैदिक ज्योतिष की लोग अक्सर ये हमारे आपस में कन्फ्लिक्ट रहता है, वैदिक वाले कह देते हैं कि आप लाल किताब का सिस्टम कुछ अलग है, कुछ मतलब अलग बातें भी कर दी जाती हैं, वही कुछ जो लाल किताब जानने वाले हैं या करते हैं वो उनको भी उल्टे सीधे ऐसे कमेंट कर देते हैं, आपस में थोड़ा सा दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। लेकिन जो लाल किताब ज्योतिष है, इसमें ये भारतीय ज्योतिष की ही एक परंपरा से संबंधित है, क्योंकि हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में जो है आप पूरी वर्ल्ड में ज्योतिष है, चाइना में है, ईरान में है, अरेबिया में है, अमेरिका में है, पेरू में है, उसके बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल जो सिद्धांत है, वेस्टर्न की एस्ट्रोलॉजी, उनके अपने एस्पेक्ट है, अपने सिद्धांत है। लेकिन जो नवग्रह यानी कि जो 7 ग्रहों के साथ 2 ग्रह जो और होते हैं, राहु केतु, ये सिर्फ आपको भारतीय ज्योतिष सिद्धांत में ही मिलेंगे। किसी भी ज्योतिष सिस्टम में जब भी राहु केतु का आपको जिक्र मिले तो आप ये आंख बंद करके विश्वास करो कि ये हमारी भारतीय ज्योतिष की परंपरा ही है। और भारत जो है वो सिर्फ मथुरा से लेकर काशी तक सीमित नहीं है, भारत की जो सीमाएं थी वो तो काबुल कंधार या उससे भी आगे आगे, उससे जो है वो जो डेड सी से लेकर जो है वहाँ कैप्सियन सी से लेकर और कंबोडिया तक भारत की सीमाएं जो है अनंत है, जिसे हम की जम्बू दीपे भरतखंडे जो हम कहते हैं ना, जम्बू दीपे भरतखंडे भारतवर्ष से, ये भारतवर्ष जो है बहुत बड़ा था और भारत की जो सीमाएं है वो सिर्फ अगर हम कहें कि सिर्फ मथुरा और काशी के बीच में है तो ये बिल्कुल ही गलत है। और इसमें भारत में बहुत सारे परंपराएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो भी अलग अलग भाषा में है, लेकिन भारत जो हमारा बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई चीज अफगानिस्तान से भी आई है तो ये समझे कि वो भी हमारे भारत की है, अलग नहीं है। भारतवर्ष जो है बहुत ही विशाल था, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। तो ये जो लाल किताब ज्योतिष है, इसमें भी 9 ग्रहों का, नवग्रह का जो है एक सिद्धांत है, और जिसमें भी आपको नवग्रह का सिद्धांत मिले किसी भी ज्योतिष सिस्टम में, वो सिद्धांत जो है वो भारतीय ज्योतिष ही है। और लाल किताब में भी जगह जगह पर जो सनातन के साथ इसको एक तरह से पंडित जी ने कंबाइन किया है, और तकरीबन उपाय जो हैं कुछ भी ऐसे भी उपाय नहीं है कि जो सनातन धर्म के खिलाफ हो,
और ये हमें सनातन की तरफ प्रेरित करते हैं और हमें गायों की सेवा, कुत्तों की सेवा, जो तकरीबन सनातन धर्म की जो एक परंपरा है, उस परंपरा को और ये हमें विश्वास हमारे अंदर पैदा करते हैं। इसके साथ ही कुछ गलतफहमियां लोगों ने जोड़ दी हैं कि पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब दरअसल लाल किताब को ना समझने के कारण, गलतफहमी के कारण ही ऐसा है। लाल किताब ऐसा कुछ नहीं कहती है। तो अब ये थोड़ा सा मैंने इसका दिया इंट्रोडक्शन आपको। लाल किताब जो है, सबसे पहले पंडित जी ने जो 1939 लिखी, उसके बाद 40 लिखी, 40 में पंडित जी ने टोटली ग्रामर लिखा, सिद्धांत लिखे, ग्रहों के फलादेश भी लिखे, उसके बाद 1941 लिखी, 41 जो पब्लिश हुई उसमें पंडित जी ने सिर्फ कविताओं के जरिए जो है इसको कलमबद्ध किया, और उसके बाद आई 1942, जिसे मैं एक तरह का राव एडिशन कहता हूँ। उस एडिशन में आपको कविताएं भी थी और उसके जो थे आगे फलादेश जो थे उसके वो भी लिखे गए थे। उसके बाद जो पंडित जी ने 10 साल का पंडित जी ने समय लिया, और 10 साल के बाद पंडित जी ने जो लास्ट एडिशन पब्लिश की, पांचवी किताब, वो थी लाल किताब 1952, यानी कि 1952। और इस किताब को पब्लिश करने में, इन चीजों को संकलित करने में, लिखने में, करने में, ये किताब लिखने में पंडित जी को तकरीबन 10 साल का समय पंडित जी को इस बुक को लिखने में लगा। और ये जो बुक है तकरीबन 1173 यानी कि 1200 पेज के आसपास के लगभग है, और ये आजकल तो पहले ओरिजिनल उर्दू में ही लिखी गई थी, जो कि पंडित गिरधारी शर्मा नाल जी, जो पंडित जी के रिश्तेदारी थे, उनके तरफ से ये जो है गिरधारी जी की तरफ से ये छापी गई थी। ये उनकी फोटो भी यहाँ पर छपी हुई है किताब में। तो उसके बाद ये बहुत सारे जो ऑथर थे, क्योंकि बाद में उर्दू हमारे भारत से खत्म हो गई, उर्दू हमारी पहले यहाँ की नेशनल लैंग्वेज थी, उसके बाद हमारा काम जो था वो सारा का सारा इंग्लिश में या फिर हिंदी में होने लग गया। तो 1980s के या उसके नियर अबाउट 90s के आसपास कुछ लोगों ने मेहनत करके उर्दू का जो है वो हिंदी में अनुवाद किया, लेकिन वो बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद 1998 में इस बुक की फिर से किसी ने बहुत ही अच्छा हिंदी अनुवाद किया, जिसके 3 पार्ट करके जो है वो अभी भी आपको इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट करके ये 98 में अनुवादित किया गया। उसके बाद किसी फौजी कर्नल ने भी इसका अनुवाद किया, और उसके बाद जो अभी हमारे पास में बुक रूप में जो बुक अवेलेबल है वो बुक दिल्ली के एक निवासी हैं पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी, उन्होंने इस बुक को 1952 को पब्लिश किया और बाकी एडिशन भी पब्लिश किया। उसके बाद अन्य जो ज्योतिष के विद्वान थे उन्होंने भी कोशिश की और उन्होंने भी लाल किताब के एडिशन जो है इसको पब्लिश किया, लेकिन सबसे पहले जो लाल किताब 1941 है उसका उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करके इंटरनेट पर पब्लिश करने का, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी तो सबने किताबें ट्रांसलेट की हैं लेकिन उन्होंने मार्केट में बेची है, लेकिन जो फ्री में अवेलेबल करवाई किताब वो योगराज प्रभाकर जी थे, पटियाला के रहने वाले थे नहीं है अभी भी, और मेरे बहुत ही अच्छे जो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मेरे चाचे की उम्र के हैं, तो मैं उनको मित्र तो नहीं, मैं ये कह सकता कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी और मेरे से बड़े हैं, और लाल किताब के बहुत ही अच्छे जानकार हैं और शायर भी हैं योगराज प्रभाकर जी। तो योगराज प्रभाकर जी ने यह किताब सबसे पहले फ्री में लोगों को ट्रांसलेट की, और इसको उन्होंने प्रिंटेड वर्सन भी छपवाया और लोगों को फ्री में ये किताब उन्होंने अवेलेबल भी करवाई। तो अब यहाँ पर यह है कि जो इतनी मैंने जानकारी आपको इंट्रोडक्शन दी है लाल किताब के बारे में, दरअसल इसको मेरा कहने का मकसद ये था कि जिस किताब को पंडित जी ने 34 साल की उम्र में पंडित जी को गैबी रूह ने लिखवाई या गैबी रूह ने बातें बताई एक मेडिटेटिव जो है कंडीशन में, उस किताब को पंडित जी ने तकरीबन 5 साल बाद, 4 साल बाद पंडित जी ने उस किताब को पब्लिश किया, उसके बाद बाकी एडिशन पब्लिश किए, और फाइनली जो एडिशन है उसको पब्लिश करने में पंडित जी को 3452, आप जोड़ लो 34 और 6 जो है वो 40,
और 40 उधर 50 यानी कि 16 साल, फिर 52 यानी कि पंडित जी को कंप्लीट 18 साल लगे इस बुक को लिखने में, लास्ट रूप पे देने में, लोगों को पहुंचाने में, और कम से कम 4 साल तो लगे ही पंडित जी को जो पहली बुक पंडित जी ने पब्लिश की थी। अब जिस किताब को लिखने में इतना एक लंबा वक्त लगा हो, हालांकि ये पंडित जी ने बराए मेहरबानी चीजें अपने अंदर छुपाई नहीं, पंडित जी ने सभी लोगों के लिए ये किताब दस्तयाब करवाई यहाँ पर बकायदा प्रिंटिंग प्रेस की तरफ से, तो अब जिस किताब को लिखने में इतना वक्त लगा हो, मैं माफी जो मांगी थी मैं इसलिए मांगी थी, मैं इसी बात को समझाने के लिए, हालांकि मेरे पास आपको ये बताने का कोई और जरिया नहीं था, इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल ऐसा रखा था। मैं उसके लिए फिर से दोबारा माफी मांगता हूँ। मैं आपको जो 1952 है वो जो हिंदी एडिशंस है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने इसका कवर मैंने थोड़ा सा अलग चढ़ा लिया था, ये लाल कपड़े में लपेट कर रखी जाती है। अब ये जो बुक है ये तकरीबन बुक जो है आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, आप इस बुक की जो है मोटाई देख सकते हैं, और ये जो बुक है तकरीबन तकरीबन 1200 के पेज के आसपास की ये बुक है। इस बुक की जो मैंने आपको 73 बोला था, तो ये जो है 1100 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1170 लास्ट जो है, मतलब 1200 के पेज के आसपास ये बुक है। अब ये 1200 जो पेज की बुक्स है जिसमें कि नवग्रह के सिद्धांत हैं, ग्रामर्स हैं, उसके बाद ग्रहों के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इस टर्म्स एंड कंडीशंस को सिर्फ दो दिन में किसी को समझाना या किसी को बताना वर्कशॉप के जरिए, आपको, अब मैं तो नहीं कह सकता कि मैं कर सकता हूं, आप अपने दिल पर हाथ रखना, आपके दिल में भी जो मेरे दिल के अंदर बैठा है वो आपके अंदर भी बैठा हुआ है। मैं इसीलिए परमात्मा के रंग अनेक हैं, वो हर जगह पर विराजमान है, वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी। आप अपने दिल से पूछना कि क्या 2 दिन में इस कोर्स का एडवांस या टेक्निकल जो है टेक्निक ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी कोई चीज की जा सकती है क्या 2 दिन में। हाँ, बिजनेस मीटअप होते हैं, बिजनेस मीटअप में जब आप पहले से कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, कोई आपका एडवाइजर आता है, वो 2 दिन में आपको कोई छोटे छोटे से टिप्स जो है आपका पूरा वो बता जाता है, 1 दिन में 2 दिन में, वो चीज अलग है। लेकिन जब किसी चीज को सीखने की बात आती है, लर्निंग की बात आती है, वो भी एक ऐसे, आजकल तो लाल किताब के बारे में एक वहम ये फैलाया गया कि ये टोटके की किताब है, दरअसल ये टोटके की किताब है ही नहीं। टोटके की जो किताब होगी वो इस टाइप की कोई जो है आपको मिलेगी, जो 10-20-50 पन्नों की होगी। जो 1100-1200 पेज का ग्रंथ है जिसमें कि ज्योतिष के सिद्धांत को पूरी तरह से व्याख्या की गई है, ये टोने टोटकी तो हो ही नहीं सकती। तो इतनी बड़ी किताब को 2 दिन में सिखाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और ये जितने भी वर्कशॉप जो शॉर्ट कोर्सेज जो करवाए जाते हैं, 2 दिन के, 4 दिन के, 1 दिन के, ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है। अब मेरे पास जो उर्दू एडिशन है, हालांकि ये मेरे पास फोटो स्टेट कॉपी है, इस बुक को 1952 ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा ग्रंथ है। मैंने ये आपको दिखाने के लिए, आपको एक मैंने जागृति के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। तो ये जो किताब है, इतने जो ज्योतिष के सूत्र हैं, इसको सीखने में कम से भी कम, अगर आपके पास ये बुक होगी, आप इसको पढ़ेंगे, तो किसी की गाइडेंस लेकर भी सीखने में कम से कम आपको 6 महीने से 1 साल का टाइम तो जरूर लगेगा। जैसे कि हमारे मेरे जो है, मैं उन्हें गुरु मानता हूँ, स्वर्गीय पंडित रूप चंद जोशी जी के बाद मैं उनको अपने तहे दिल से जो है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे वो अपने बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने मुझे कभी भी नजूमी बेटे के अलावा और कुछ नहीं बोला, वो मेरे हैं गुरु रूप है श्री रविंदर भंडारी जी, और वो मोरिंडा में रहते हैं, और उनका मोरिंडा में ही उनका घर भी है, और वहां पर वो एस्ट्रोलॉजी भी प्रैक्टिस भी करते हैं और सिखाते भी हैं। तो वो उनका भी जो कोर्स है सिखाने का, वो तकरीबन 1 साल का है, 1 साल उनके पास जो लोग सीखने जाते हैं, 1 साल का लंबा समय लग जाता है। अब जो बड़े बड़े जो उनसे बहुत केमिस्ट्री के माहर हैं, हस्तरेखा के भी माहर हैं, उनके पास जाकर सीखने में जब 1 साल का समय लग सकता है, तो 2 दिन में या 3 दिन में वर्कशॉप में जो ये जगह जगह पर दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, ये जो मुझे भी कई बार, दरअसल क्या है कि
इंस्टीट्यूट से फोन्स आते हैं, कॉल्स आती हैं कि जुम्मी जी हमारे इंस्टीट्यूट में आप 2 दिन का वर्कशॉप कर लो, या 5 दिन का वर्कशॉप कर लो, या 10 दिन का कोई कोर्स करवा दो। तो मेरी आत्मा जो है इजाजत नहीं देती है, क्योंकि ये जो काम है ना, ये काम सिर्फ और सिर्फ ये जो बिजनेस है ठगी का धंधा है, ठगी के धंधे के अलावा कुछ नहीं है। 2 दिन में आपको इतनी बड़ी किताब, इतने सारे ज्योतिष के सूत्र जो है वो ना तो आपको बताए जा सकते हैं, ना ही आप उसे समझ सकते हो। तो ये जो टोटल जो प्रोग्राम, जो वर्कशॉप जो है लाल किताब का, जो करवाए जाते हैं 2 2 दिन के, एक एक दिन के, 3 3 दिन के, ये सब के सब मनी वेस्ट प्रोग्राम है। सिर्फ बेवकूफ बनने का काम है और बेवकूफ बनाने का काम है। अब बेवकूफ कौन बन रहा है, बेवकूफ कौन बना रहा है, ये आपने फैसला करना है। देखिए, इस वीडियो को बनाने से मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने आपको एक जागृति के लिए बनाया है। इस वीडियो के नीचे बहुत से लोग जो सहमत होंगे वो गालियां भी देंगे, जो जो असहमत होंगे गालियां देंगे, जो सहमत है अप्रिशिएट करेंगे, और जिनको इन चीजों से तकलीफ होती है वो उस वीडियो को डिसलाइक भी मारेंगे, रिपोर्ट भी करेंगे। लेकिन मेरा जो फर्ज था बताने का, क्योंकि लोगों के अंदर इस इलम को सीखने की इच्छा है, तो इसको सीखने के लिए आपकी आपके पास चाहिए टाइम। कम से कम मिनिमम आपको, जब आप किताब ये खरीदेंगे या किताब लेंगे आप, तो कम से कम अगर आप कंटिन्यू आप इसको पढ़े, डेली पढ़ेंगे तो कम से कम आपको 1200 पेज हैं। अगर आप इसके रोज के समझो कि 20 पेज 30 पेज भी पढ़ते हो आप, तो आपको 1 महीने या 1 1.5 महीने का टाइम तो आपको जरूर लगेगा। अगर आप इसको कंप्लीट ढंग से पढ़ोगे तो कम से कम 1 साल तो आपको, 1 साल से पहले तो कुछ मिलने वाला है नहीं, कम से कम 6 महीने तो आप कम से कम पक्का रख लो कि 6 महीने के बाद ही आपको इस बुक से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको ज्योतिष सिद्धांत को सीखना है, अगर आपको टोटके वाले बनना है, तो फिर आपको इस तरह की, हालांकि डिफेमेशन का बात हो जाती है, मैंने इसलिए ये जो बुक्स हैं इन बुक्स पे मैंने कवर चढ़ा दिया है। मेरे पास ये पहले, बहुत पहले बुक आई थी, तो जो सिर्फ एक रद्दी किताब है और टोटे टोटके से ही भरी पड़ी है। लाल किताब के नाम पे पता नहीं क्या क्या इसमें बातें लिख दी जाती हैं। और जो ये 100 टाइम के कोर्स होते हैं ना, 1 दिन के 2 दिन के 3 दिन के, वहां पे आपको लगता है कि कोई ज्योतिषी जो है वो 10 साल का अपना एक्सपीरियंस आपको 2 दिन में आपको जो है, और कर भी कैसे सकता है, इतना बड़ा ज्योतिष सिद्धांत है, उसको कम से कम आपको समझाने में ही कम से कम 1 महीने का वक्त चाहिए, वो भी डेली कंटिन्यू। या अगर आप कोर्स कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो जो भी कोर्स कर रहे हैं कम से कम 2 महीने का हो, कम से कम 2 4 6 महीने का कोर्स हो, तभी आपको वहां कुछ सीखने को मिलेगा। 2 दिन में आप वहां पर सिर्फ जो है मूर्ख बनकर आ जाओगे और अपने पैसे लुटा के आओगे। मैंने ये जो इंस्टीट्यूट है, मैं क्यों नहीं ज्वाइन करता इनके साथ में, मैं इसलिए नहीं करता कि कल को कहीं मेरा भी आना हो कि यार नजुमी जी आपने भी बस यही काम शुरू कर दिया, मतलब 2 2 दिन के कोर्स बनाकर जो है लोगों को ठगने वाला काम शुरू कर दिया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं इसीलिए ऐसे काम नहीं करना चाहता, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अब आप ये कहेंगे नजुमी जी आपने इतनी लंबी वीडियो बना ली, इतनी लंबी बातें कर ली, बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, तो ये तो आपने हमारी भावनाओं से खेला है, तो आपने मुझे गाइड तो कोई किया नहीं। तो गाइड यही है मेरी कि आप कम से कम इसको जो बुक्स हैं, जो ओरिजिनल बुक्स लाल किताब की है, आप उसको ले आके पढ़ो, और इसको आपको कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। कम से कम अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो कम से कम 1 1.5 महीने का टाइम तो आपको जरूर लगेगा। तो अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि बुक्स जो है आप कौन सी मुझे सजेस्ट करेंगे। तो मैंने पहले एक 1942 जो बुक्स थी वो मैंने सजेस्ट की थी, वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो लास्ट एडिशन है वो आप यहाँ पर 1952 आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो 1952 लेने के लिए आप जो है यहाँ पर है, मैं एक लिंक जो है आपको मैं शेयर करना चाहूंगा। तो वैसे मैंने ये जो है ब्लॉग मैंने पहले वर्डप्रेस पर बनाया था, और इसको बनाने के बाद ये ब्लॉग जो था मेरा किसी हैकर्स ने, अब पता नहीं कौन है, सभी में परमात्मा का निवास है और आप परमात्मा के भी रूप अनेक हैं, वो चोर में भी है, साधु में भी है, तो किसी ने मेरा ये ब्लॉग जो था वो हैक कर लिया मेरा। तो आइए हम, अब मैं एक आपको एड्रेस लिंक दे रहा हूँ, आपने अपने गूगल में जाना है, आपने टाइप करना है लाल किताब, लाल किताब, और उसके बाद आपने आगे जो है डैश आपने एक लगाना है, और उसके बाद आपने लिखना है इन्फो, लाल किताब डॉट
के आगे आपने इन्फो लगाना है और आपने एंटर कर देना है। तो आप एक वेबसाइट पे चले जाएंगे और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मेरी वेबसाइट है। पहले इस पर आर्टिकल्स थे, कुछ थे मैंने वर्डप्रेस पे बनाया था, लेकिन अब मैं कह नहीं सकता किसी ने मेरा ये हैक कर लिया था और इसको जो है कंप्लीट वेबसाइट मेरी बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी। तो मैंने उस डोमेन नेम को वहां से उठाकर मैंने दोबारा इसको गूगल पर मैंने बनाया है और यहाँ पर अभी ये वेबसाइट पूरी तरह से ब्लैंक है, सिर्फ कुछ लिंक्स हैं। तो अब ये गूगल पर है तो ये हैकर्स इसको कभी भी हैक नहीं कर सकते और बहुत इम्पॉसिबल है। तो जब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये वेबसाइट तकरीबन पूरी तरह से ब्लैंक्स है, लेकिन इसके ऊपर में आपको जो यहाँ पर टैब बार है, टैब बार में आपको कुछ लिखा मिलेगा। सबसे पहला है होम, होम के बाद है बाय लाल किताब। जब आप बाय लाल किताब पे क्लिक करेंगे तो आप इनडायरेक्ट हो जाएंगे अमेजन इंडिया पर। अमेजन इंडिया पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो बुक है 1952 है, पंडित रूप चंद जोशी जी द्वारा लिखित है और इसका जो ट्रांसलेशन है वो पंडित वेणी माधव गोस्वामी जी द्वारा की गई है। और ये बुक जो है तकरीबन 1500 की बुक है, टू पार्ट्स है इसके, और अमेजन पर ये कुछ डिस्काउंट के साथ जो है तकरीबन 1470 रुपये का ये बुक यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस बुक को आप जो लास्ट एडिशन है उसे आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप अपने सिर्फ हॉरोस्कोप देखने के लिए इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल मत खरीदना, सिर्फ अगर स्टडी करना चाहते हैं तो ही खरीदना आप। अगर आप, क्योंकि इस वीडियो को जो देखने वाले होंगे तकरीबन वो स्टडी करने वाले होंगे, इसीलिए मैंने इस बुक का सुझाव आपको दिया है। तो इस वेबसाइट पे आप या तो बायलाल किताब पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है कि कुछ लोगों ऐसा होता है कि हमें लाल किताब का सैंपल चाहिए, हम देखना चाहते हैं कि लाल किताब में क्या लिखा है। हालांकि मैं पीडीएफ बुक जो है उसे मैं प्रमोट नहीं करता हूं, मेरा ये कहना है कि आप हमेशा प्रिंटेड बुक ही लेकर पढ़ें। तो जब आप पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पीडीएफ मेरे वेबसाइट में नहीं है, इसका पीडीएफ का मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये archive.org वहां पर आपको रीडायरेक्ट करेगा और यहाँ पर कोई पार्थ सैकल जी नाम के कोई जो है यूजर्स हैं और ये archive.org है, ये डॉक्यूमेंट का एक बहुत बड़ा समंदर है, यहाँ से आप बहुत सारी बुक्स यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये जो यूजर है इनके, इन यूजर के अलावा और भी लोगों ने यहाँ पर किताबें जो है अपलोड की हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर जो किताब है, एक तो 1941 है जो योगराज प्रभाकर जी ने जो सबसे पहले फ्री में लोगों को बांटा था, फ्री में मतलब प्रिंट भी किया था और उसको फ्री में इंटरनेट पर भी अवेलेबल करवाया था। तो ये जो किताब है, पहली किताब है 1941 है, गुटका लाल किताब, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बिल्कुल लीगल है, यहाँ से इलीगल नहीं है क्योंकि इन्होंने खुद ही किया था। उसके बाद ये जो दो किताबें हैं 1940 और 1939, ये किताब भी आप पीडीएफ में, जो इनके लेखक हैं उन्होंने खुद ही इसको जगह जगह पे बांटा था, आप इसको ले सकते हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कुछ और किताबें भी दी हैं, जैसे कि मानसागरी का भी दाम दिया है। उसके बाद ये जो किताब आती है, ये वाली जो ब्लैक एंड व्हाइट वाली आप देख रहे हो, लाल किताब 1952, ये बुक जो है 1998 में पब्लिश हुई थी, लोगों ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था, बाद में उसकी कार्बन कॉपी जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको आप यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पीडीएफ है, पूरी तरह से आप पीडीएफ में कर सकते हो। उसके बाद ये लाल किताब 1952 जो है कलर वर्सन है, ये मेरे परम मित्र हैं विनीत नागपाल जी जो कि रहते हैं फाजिलका, अबोहर में रहते हैं, शायद मैं उनसे मिला हूं लेकिन उनके कभी घर नहीं गया। तो उन्होंने ये जो किताब है उन्होंने ये लिखी है और मतलब इसको हिंदी में उन्होंने टाइप किया है, डिजिटल में बहुत ही मेहनत की है उन्होंने। मैं विनीत नागपाल जी का इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ उनकी भावनाओं को, उनके इस काम को। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब मेरे हिसाब से जो यहाँ साइट पे अपलोड की गई है, ये दरअसल मेरे हिसाब से इलीगल लगती है क्योंकि ये उनका अपना, अपनी मेहनत थी, इसकी उन्होंने सीडियां बनाई और भी कुछ बनाया है। तो हो सकता है ये जो दोनों फाइल है, उसके बाद ये 1942 है, ये किताब भी किसी किताब की जो मार्केट में अवेलेबल, उसकी स्कैन करके पीडीएफ बनाकर अपलोड की गई है। तो मैं ये जो दोनों किताबें हैं आप डाउनलोड करना कर सकते हैं, लेकिन इन पीडीएफ ये मेरी नहीं है, तो इसके लिए मैं किसी तरह से कोई भी लीगल या इलीगल
रूप से किसी के लिए मैं इसके जिम्मेवार नहीं हूँ, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। और दूसरी बात, जो लाल किताब का जो कंटेंट है, ये लाल किताब का कंटेंट किसी का भी कॉपीराइट नहीं है। एनीबॉडी जो है लाल किताब पंडित जी ने खुद ही कॉपीराइट नहीं करवाई तो किसी के लिए और क्या बात है। तो कोई भी आदमी इसको जो है, जो उर्दू वाली अगर एडिशन है उसको समझ सकता है, तो उसको हिंदी में वो ट्रांसलेट करके जो है फ्री में अवेलेबल भी करवा सकता है। लेकिन सबसे उससे पहले यहाँ पे बहुत सारी बुक्स जो है अवेलेबल हैं, तो इस वेबसाइट से आप जो है बुक्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं archive.org से। तो आपके सवाल का जवाब ये भी आ गया कि किताब कहाँ से खरीदें, किताब की जो PDF है वो कहाँ से डाउनलोड करें। उसके बाद ये मेरे चैनल का लिंक है जो आपको मेरे YouTube चैनल पर ले आता है, और मेरे जो वीडियो है जैसे लाल किताब बिलतरतीब है, मेरी वीडियो भी ऐसे बिलतरतीब क्रम अनुसार नहीं होती है। कोई बात आपको कहीं मिलेगी, कोई बात आपको कहीं मिलेगी। तो इस ढंग से जो है आप कई बार कई लोग कहते हैं कि नजूमी जी आपका जो समझाने का तरीका वो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि आप कोई बात कहीं करते कोई बात कहीं करते। दरअसल मेरी गलती नहीं है, अगर कोई और ज्योतिष का शास्त्र होता तो मैं उसको वन बाय वन करता, लेकिन ये इलम ही ऐसा गैबी इलम है, ये खुद ही बिलतरतीब है, तो मेरा समझाने का तरीका भी थोड़ा सा बिलतरतीब होता है। तो यहाँ पर ये मेरा चैनल का लिंक आ जाएगा, और उसके बाद ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप लाल किताब .info से आप जो है चीजों को आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर साइन अप यानी कि साइन अप ईमेल यानी कि ईमेल के द्वारा आप इस वेबसाइट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जो आने वाली कोई भी आपको जो आर्टिकल्स यहाँ पर पब्लिश होंगे उन आर्टिकल की जानकारी भी आपको यहाँ से मिलेगी। हालांकि मैंने सिर्फ पहला आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट किया था, तो अगर आप आर्टिकल्स के आगे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल में जो है अपना ईमेल डालकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी नई पोस्ट यहाँ पर पोस्ट की जाएगी तो आपको ईमेल जो है वो आपको मिल जाएगा, गूगल के द्वारा ही आपको ईमेल मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, बाकी जानकारी आपको मिल चुकी है, तो मैं आपको फिर से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं तो कोई इतने कोर्स में चलाता नहीं हूँ, जो मेरा पिछला कोर्स था वो भी जब मैंने शुरू किया मैंने 4 महीने का वादा किया था, 4 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए। अभी भी मेरा जो कोर्स है वो भी तकरीबन अभी भी तकरीबन 60% ही कंप्लीट हो पाया है तकरीबन 6-7 महीने में, तो उसमें और भी टाइम आगे जो है लग सकता है। लेकिन आप कहीं भी, मैं ये नहीं कहता आप मेरे साथ आए या कहीं भी जाए, आप कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो पराशरी का करते हैं, चाहे वो आप नम्रोलॉजी का करते हैं, चाहे लाल किताब का करते हैं, चाहे KP का करते हैं, तो 2 दिन में कोई भी ज्योतिष शास्त्र नहीं सीखा जा सकता। 2 दिन में तो आदमी नम्रोलॉजी भी नहीं सीख सकता 2 दिन में। हाँ ये बात है कि आप नीम हकीम बन सकते हैं, और जो नीम हकीम बनाने वाले हैं उनकी जेबें जरूर भरी जा सकती हैं, और यही काम चल रहा है। लोग भी चाहते हैं कि शॉर्टकट में हम जो है सीख जाएं, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। तीसरी बात थी, अब 2 दिन के कोर्स के बाद जो तीसरी बात मैंने नीचे की थी ना कि एक्टिवेशन की, एनर्जी एक्टिवेशन। तो आप कहेंगे ये एनर्जी एक्टिवेशन क्या होती है, आपको इसको अगर हम शुद्ध अगर हम इसको भारतीय लैंग्वेज में कहें तो इसको कहते हैं सिद्धि। अब सिद्धि कैसे मिलती है, सिद्धि जो है साधना का दूसरा नाम है। सिद्धि आप सभी के पास है, सिद्धि जो है आप सभी के पास है, सिद्धि का दूसरा नाम है डिग्री। आपने 1 साल स्कूल में पढ़ा, आपको फर्स्ट पहले क्लास की डिग्री मिली, आपको दूसरा साल पढ़ा दूसरे की मिली, आपने 10 साल जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप BA करते हो 12 साल या 14-15 साल पढ़ते हो तो आपको वहां पर BA का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने BA की है। आप PhD करते हो 17-18-20 साल लग जाते हैं पढ़ने में, तो आपको PhD का सर्टिफिकेट या डॉक्टर का आपके नाम के आगे लग जाता है। तो जो ये आप जब साधना करते हो, जब आप पढ़ते हो साधना करते हो, साधना करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष भी एक तरह की सिद्धि है, लेकिन ये कोई घोलकर पीने वाली सिद्धि नहीं है,
सिद्धि की जो पहला स्टेप है, जो पहली जो सिद्धि की जो पहली सीढ़ी है वो सीढ़ी है साधना। तो साधना जो होती है स्टेप बाय स्टेप होती है। साधना में जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो तो जो लास्ट पोजीशन होती है वो सिद्धि की होती है। तो ज्योतिष शास्त्र भी एक तरह से जब इसमें आप अध्ययन करते हो, एक समय लगता है आपको 6 महीने का, साल का, 2 साल का, 3 साल का, फिर आपको प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जब पहले प्रैक्टिस करते हो बाद में आप परफेक्ट हो जाते हो, तो आप समझो कि आपको सिद्धि मिल गई है। अब सिद्धि का कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिद्धि मिल गई, कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मुझे सिद्धि मिल गई है, लेकिन जब आप साधना करते रहते हैं तो आपको सिद्धि स्वतः ही मिल जाती है। ये कोई घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है। खास करके ज्ञान के अगर बात करें तो ज्ञान में ये कोई सिखा जो है घोल कर पिलाने वाली चीज नहीं है। जब मेरे मैं खुद एक ओशो सन्यासी हूँ, और जब मेरे हमारे यहाँ पर जो दीक्षा दी जाती है ओशो कम्यून में, वहां पर जो हमें एक माला पकड़ाई जाती है, ओशो की फोटो दी जाती है, हालांकि मैंने माला और ओशो की फोटो मैंने दोनों ही तोड़कर फेंक दी मैंने, क्योंकि ये मेरे खुद जो बिलवड ओशो थे उनके कमांडमेंट के, उन्होंने कहा था कि इसकी कोई तुम्हें जरूरत भी नहीं है रखने की, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो रखना, अगर ना हो तो ना रखना। तो मैंने सिर्फ उनकी बातों को जो है माना और जो मेडिटेशन थे उसकी तरफ मैं बढ़ा। तो धीरे धीरे, हालांकि माला देने के बाद अगर चाहें तो माला ले लें और उनकी फोटो ले लें, तो फिर उसके बाद तो मेडिटेशन करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया आपको, तो आप तो मेडिटेटिव हो गए, आपको ध्यान मिल गया, आप ध्यानी बन गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो जैसे आप साधना करते हो, ज्योतिष को जो रोज पढ़ना, इसको समझना, प्रैक्टिस करना, ये भी एक प्रकार की साधना है। और ये साधना करते करते ही जो ज्योतिषी होता है उसे सिद्धि मिल जाती है। तो ये 2 मिनट की जो एनर्जी एक्टिवेशन वाली बात है ना, ये सब कहने कहने की बात है। मतलब अगर किसी गुरु ने आपको दीक्षा आपने किसी गुरु से प्राप्त कर भी लिया, किसी गुरु ने अपना आपको आशीर्वाद दे भी दिया, तो फिर भी आपको जो है साधना तो करनी पड़ेगी, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्त होगी। आपके घर में नल का सूखा पड़ा था, किसी ने आपको एक मग पानी का दे दिया, आप उस मग के पानी को नलके में डालोगे, जब तक आप नलका चलाओगे नहीं तो पानी आपको मिलेगा नहीं आपको, ठीक है जी। तो अगर किसी की तरफ से आशीर्वाद मिल भी गया है तो फिर भी आपको नलका चलाना पड़ेगा, अंदर की जो आपकी जो शक्तियां हैं उनको जागृत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। बिना साधना के सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ये इसका मूल तसार है। और इस तरह से आप लाल किताब को जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई भी ज्योतिष सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपको साधना करने से सिद्धि खुद ब खुद मिल जाएगी। तो इस जो मैंने अलाउंस किया था 2 दिन का कोर्स का, वो यही था कि मुझे आपको समझाने के लिए, और मेरे पास कोई तरीका नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसी तरीके से आपको ये मैं अपनी जो बातें रखनी थी मैंने आपके सामने रखी हैं। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, अगर आपको बातें बुरी लगी हैं तो डिसलाइक करना, और अपने सुझाव जो है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर देना। तो आपको मैं कोर्स की बात बोलकर और बिल्कुल उसके मैंने जो डिफरेंट बातें बताई हैं उसके लिए मैं फिर से कान पकड़कर जो है मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि आपकी जो भावना है उस भावना को शायद चोट लगी होगी, लेकिन ये रियलिटी है, सच्चाई है कि ये 2 दिन के जो कोर्स किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं ज्योतिष के नाम पर, इसमें सीखना सिखाना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है। और ये हो भी रही है, लोग ठगे भी जा रहे हैं, और उसके बाद लोगों का, जब आदमी एक बार ठगा जाता है, टूट जाता है, तो उसका ज्योतिष से मोह भंग हो जाता है, फिर वो इसकी तरफ आता ही नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि दुनिया बहुत बड़ी है, एक गया है तो फिर दूसरे आ जाएंगे। तो इस तरह से जो ये जो काम करने वाले लोग हैं, और खास करके लाल किताब के नाम पर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो दरअसल ये लाल किताब 1952 या जो 1200 पेज की किताब है, इसके जो सिद्धांत है, ये तो आपको वहां ना पढ़ने को मिलेगा ना वहां पर सुनने को मिलेगा। आपको इस तरह की जो रद्दी किताबें होती हैं या जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो मतलब कॉपी पेस्ट जो होते हैं आपको, कि सूरज एक में हो तो ये होता है, 2 में हो तो ये होता वो होता, तो बात अलग की है। सिर्फ आपको जो है वहां पर उपाय जो है चंद उपाय बता दिए जाएंगे छोटे छोटे से, और नोट करा के आपको, और उसके बाद ना तो आपको कोई टर्म एंड कंडीशन बताया जाएगा, ना आपको कुछ, और 2 दिन में और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। तो यही इसका सार है, आपको करना है तो खुद आप मेहनत करें और आगे बढ़ें। और जो आदमी
अपनी मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है, हिम्मत मर्दे मद्दे खुदा। इस तरह से आपको यहाँ पर ये मदद आपको मिल सकती है। तो मेरी भी यही आपसे गुजारिश है कि आप जो है खुद ही आप सेल्फ स्टडी करें, और अगर आप कोर्स भी करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के कोर्स करें। और इसके बाद जैसे ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सॉफ्टवेयर्स की मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ, अगर आप प्रोफेशनल डिस्क्लोजर्स हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर आता है, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछा था कि नजुमी जी मुझे ये बताएं कि आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ये सॉफ्टवेयर रेड एस्ट्रो प्रोफेशनल है। इसमें आप कोई भी जो है आप सॉफ्टवेयर जो है इसमें लाल किताब की सीट जो है पूरी तरह से बन जाती है, लेकिन जो इसकी प्रिडिक्शन होती है सॉफ्टवेयर की, वो प्रिडिक्शन वही होती है जो लोगों ने फीड की हुई है डेवलपर में, क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशन की जो बात की थी, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से इस तरह से एक सीट मिल जाती है लाल किताब की। और मैं इसका जो उपयोग करता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं जो एक वर्षफल देखने के लिए, पूरी तरह से मैं कैलकुलेशन के लिए इसका यूज करता हूँ, ताकि वर्ष कुंडली, मंथ कुंडली, डे कुंडली सब बन जाती है, उसको मैं देखने के लिए प्रयोग करता हूँ। हालांकि इसके नीचे में वैदिक का भी, इन सब चीजों का भी यहाँ पे विस्तार रूप से बताया गया है, प्रिडिक्शन भी है, लेकिन मैंने कभी प्रिडिक्शन को मैंने छेड़ा नहीं, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर प्रिडिक्शन में मैं बिलीव नहीं करता। खुद जो है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में, उसको मैं बाई लाल किताब ही यहाँ पर देखना पसंद करता हूँ। वैसे जो सॉफ्टवेयर है, मैं इस सॉफ्टवेयर को, अगर आप अमेजन का मैं लिंक भी दे दूँ, तो ये अमेजन से आपको सॉफ्टवेयर तकरीबन जो है कि नियर अबाउट आपको मिलेगा 12,000 या 10,000 के नियर अबाउट आपको वहां से ये सॉफ्टवेयर मिलेगा। अगर ये आप ये जो डेवलपर हैं, अगर आप डेवलपर से ये सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं, इसका जो डेवलपर है वो माइंड सूत्रा दिल्ली वाले हैं, तो माइंड सूत्रा वालों से अगर आप ये डायरेक्टली सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आप बहुत हद तक बार्गेन कर सकते हैं, आपको कम रेट में भी मिल सकता है। मैंने ये जो सॉफ्टवेयर है नियर अबाउट मैंने 7 के आसपास मैंने बार्गेन करके उनसे लिया था, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर डायरेक्टली बात करेंगे तो आपको अमेजन की बजाय वहां से आपको थोड़ा से कम रेट में आपको ये सॉफ्टवेयर आपको वो दे देंगे प्रोवाइड, अगर आप डायरेक्ट बात करते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत क्या है, अगर आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप यहां से इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, सिर्फ आप स्टडी के लिए करना चाहते हैं, तो आपको ये 5-7 हज़ार के सॉफ्टवेयर खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसकी बजाय आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर एस्ट्रो एज का जो फ्री वर्सन है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑनलाइन कंप्यूटर पर भी आप जो है लाल किताब का वर्षफल बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ही आप करें। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड जो प्रिडिक्शन होती है, ये प्रिडिक्शन कहीं कहीं पर मैच भी खा जाती है, लेकिन जब टर्म्स एंड कंडीशन की बात की जाए तो ये जो प्रिडिक्शन होती है तकरीबन उतनी दुरुस्त नहीं होती, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर ही होता है, इंसान इंसान होता है, इंसान की बराबरी सॉफ्टवेयर कभी नहीं कर सकता है। इसीलिए आप खुद मेहनत करें, आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर आप कहीं से कोर्स भी करते हैं तो लॉन्ग टर्म कोर्स करें, कम से कम 6 महीने का 4 महीने का। ये जो 2-2 दिन के 4-4 दिन के जो कोर्स हैं, इस कोर्स के चक्कर में आप जो है अपना पैसा बर्बाद मत करें और अपना समय बर्बाद मत करें, और आप मानसिक रूप से प्रताड़ना के शिकार ना बने, क्योंकि जो भी लोग इन कोर्सों में गए हैं मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, पैसा भी उन्होंने गवाया है, समय भी गवाया है, और बाद में उन्होंने लाल किताब से उनका मन ही उठ गया, क्योंकि लाल किताब ओरिजिनल तो उन्होंने देखी नहीं, वो तो सिर्फ जो है आधा तीतर आधा बटेर, ना छुहारा ना बेर, उस तरह की जो किताबें थी उन किताबों से उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को सीखना समझने की उन्होंने कोशिश की, और उसने जो है वो असफल रहे, तो इसलिए उनका जो है लाल किताब से पूरी तरह से मोह यहाँ पर भंग हो गया। तो सो बेहतर है आप इस तरह से आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको मदद मिलेगी। और मैं तो अभी कोई ऐसा कोर्स शुरू नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा पीछे का कोर्स मैंने तकरीबन अक्टूबर में शुरू किया था, वही कोर्स मेरा अभी तक कंटिन्यू है, 60% ही कंप्लीट हुआ है अभी। उसमें मुझे टाइम शायद 6 महीने का और लग सकता है, या मैं कह नहीं सकता कोई उसके बारे में, लेकिन आप किसी के साथ कोर्स करें तो लॉन्ग टर्म का करें, शॉर्ट टर्म का कोर्स आप ना करें। वीडियो लंबी हो गई है, मैं इसके लिए आप
से तहे दिल के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन बात बतानी आपके लिए जरूरी थी। आपका पैसा भी कीमती है, आपका समय भी कीमती है, तो अपने समय का सदुपयोग करें, पैसे का सदुपयोग करें। आपने जो टाइम इधर उधर भटक के बर्बाद करना है, रद्दी किताबों के जो नकली किताबें जो कॉपी पेस्ट या गूगल से जो कॉपी पेस्ट करके जो कोर्सों में 2 दिन में बता दी जाती हैं, तो वो तो पहले ही आपके गूगल पर अवेलेबल है, गूगल बाबा आपको पहले से बता देंगे। तो उनको समझने के लिए ऐसे कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, 2-2 दिन के जो वर्कशॉप होते हैं 1 दिन के, इसकी बजाय आप जो है ओरिजिनल लाल किताब को लेकर पढ़ें तो आपको ज्यादा समझ आएगी। हाँ, जब आप ओरिजिनल लाल किताब पढ़ लेते हैं तो कहीं भी आपको कोई भी लाल किताब का जानकार मिलता है तो उसके साथ आप कोई 1 दिन की या 2 दिन की कोर्स नहीं होते, 1 या 2 दिन के मैं पहले बताया था कि बिजनेस के मीटअप होते हैं या किसी साधु का सत्संग होता है, तो आप वहाँ पे सेमिनार में, गोष्ठी में या इस तरह के मीटअप में आप मिलकर अपने जो सवाल जवाब हैं, आपके 2-4-5 सवाल जवाब हैं, उनके आप सवालों के जवाब आप पा सकते हैं, लेकिन आप 2 दिन में लाल किताब ज्योतिष कभी नहीं सीख सकते। पराशर होरा शास्त्र वैदिक ज्योतिष भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा सिस्टम है। कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का या लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का या केपी एस्ट्रोलॉजी का, मैं खुद एक रमल और नम्रोलॉजी में मैंने भी पहले काम किया, तो मैं खुद भी ये समझता हूँ कि 2 दिन में तो नम्रोलॉजी भी नहीं सीखी जा सकती है। हाँ, इनके नाम पर पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, पैसा गवाया जा सकता है, समय खराब किया जा सकता है, और मानसिक रूप से आप इसके प्रताड़ना के शिकार, मेंटली अपसेट आप जरूर हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने जो बातें की हैं, मैं उसके लिए अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ, और मेरी परमात्मा से ही गुजारिश है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहां बढ़ते रहो, मदद मालक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।